कहते हैं कि जिसने सोच लिया कि काम ही पूजा है, फिर ऐसे लोगों के जीवन में कितनी भी बाधाएं या फिर मुश्किलें आ जाए वो घबराते नहीं। और ऐसे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं हमीरपुर के तहसील कार्यालय में तैनात नायब तहसीलदार रमेश चांदला। पहाड़ के लोगों का पहाड़ सा हौसला, कई बार हिमाचल के लोगों ने इस कहावत को सच किया है। और एक बार फिर पहाड़ सा हौसला दिखाने वाले हमीरपुर के नायब तहसीलदार रमेश चांदला ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया। सड़क हादसे में तहसीलदार रमेश की टांग टूट गई थी और टांग टूटने के बाद मेडिकल निरीक्षण हुआ, प्लास्टर चढ़ाया गया। टांग टूटने के बाद भी नायब तहसीलदार रमेश चांदला कार्यालय पहुंचकर काम में जुटे हुए हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ लोगों की मदद कर रही हैं। सेवा भी हो जाती है, काम भी हो जाता है, सरकारी काम भी निपट जाता है और प्लास्टर के लिए तो अभी टाइम बहुत लगेगा, इतने दिनों फिर पब्लिक के राशु भी और क्या ये तो बिल्कुल मैं किसी किस्म का को काम नहीं रोक रहा हूँ। जो भी काम है कि इंतकाल करने हैं, रजिस्ट्री हैं, जो भी सारा जो भी सरकार का जो भी काम है ना वो सारे निपटा, क्योंकि काम निपटाने में मुझे कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। नायब तहसीलदार रमेश चांदला की पिछले महीने बाइक दुर्घटना में एक टांग टूट गई। डॉक्टर ने उन्हें करीब 2 महीने तक आराम करने की सलाह दी, लेकिन अधिकारी रमेश ने 1 महीने तक घर पर आराम किया और उसके बाद व्हीलचेयर के सहारे अपने कार्यालय पहुंचे। छुट्टी पर गया था तो वहाँ घर में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, बाइक पे बैठ गया तो बाइक पलट गई, एक्सीडेंट हुआ, प्लास्टर चढ़ा है तो प्लास्टर के लिए डॉक्टर बोलते हैं भी काफ़ी दिन लगेंगे, कम से कम 45-50 दिन। तो महीना भर तो मैं छुट्टी पे रहा, तो मैंने सोचा चलो प्लास्टर के लिए तो टाइम लगेगा, तो क्या ना थोड़ा थोड़ा सा खुद को थोड़ा डालते हुए ना, अगर थोड़ी बहुत लोगों की सेवा हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि प्लास्टर खोलने के लिए तो टाइम लगेगा। तो मैं बड़े मतलब गाड़ी में आता हूँ, गाड़ी में व्हील चेयर से आ जाता हूँ यहाँ तक, तो लोगों के काम भी निपटा देता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो लोगों की सेवा से ही ना आज मैं यहाँ पर। तहसीलदार रमेश चांदला ने बताया कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि लोगों का काम करो। सरकार और भगवान ने उन्हें अगर इस कुर्सी पर बैठाया है तो इस कुर्सी के जरिए लोगों के जितने काम हो सकते हैं उन्हें किया जाए। छुट्टी है तो चलो, अगर मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ तो अफसर भी क्या करेगा, उनको छुट्टी देनी पड़ेगी। पर बेसिकली जब मैं थोड़ा बहुत आ सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, तो प्लास्टर तो अगर चार पाई पे बैठा रहूँगा तो भी चढ़ा, अगर यहाँ बैठा हूँ तो भी चढ़ा, तो फिर ऐसा मतलब वो तो काम से जी चुराने वाली बात है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि बारके से बार्षिक बस काम ही पूजा। उनको कहूँगा कि जो जरूरी एमरजेंसी छुट्टी है ना वो तो चलो करनी पड़ती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी लोगों की सेवा की जाए, क्योंकि परमात्मा ने अगर हमें यहाँ पे बिठाया है तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे तो उसका जो फल है वो हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर कोई अपनी जिंदगी में जीने का उद्देश्य ठान लेता है और अगर कर्म को ही पूजा मानने लगता है तो कठिनाइयां छू भी नहीं सकती। हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट।